आज यार कंटेंट कोई इतना खास नहीं, लेकिन एक कहानी है जो मेरे की रियल लाइफ स्टोरी है कि बस आप लोग डरना नहीं, ठीक है? और लाइट्स ऑफ कर लो, सुकून से बैठो, एंट्री लगा लो और स्टोरी के ऊपर फोकस करो। सीन्स कुछ ऐसे हुए थे कुछ टाइम पहले कि मेरी जो नानी का घर है, मैं एक दफ़ा उसकी मतलब समझो वहाँ पे जानवर खराब पाले हुए इन लोगों ने। तो सीन्स कुछ ऐसे थे यार, मैं एक दफ़ा रात के टाइम पे मेरे मामू ने बोला कि जाओ ऊपर जाके ना दाना वगैरह डाल के, और रात को तकरीबन 2 बज गए थे और हम लोग कहीं गए हुए थे। तो वहाँ से मैं आया तो मैं ऊपर चला गया, मैंने कहा ठीक है मैं जाके डाल देता हूँ। मैं जब ऊपर गया तो सीन्स कुछ ऐसे हुए, तब मैं ऊपर से पहुँचा था और मैंने दाना वाना बनाना शुरू कर दिया, सब नॉर्मल था। जब मैं ऊपर था तो सीरियसली सिर्फ और सिर्फ तकरीबन लगा लो आप के मुश्किल से 2-3 मिनट हुए होंगे, मैं दाना बना रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पीछे से कुछ चीज़ गुजरी है मेरे। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा वहम होगा। लेकिन जब वो सेकेंडली दूसरी दफ़ा मेरे साथ यही बिल्कुल एक मतलब एक तरीके से कोई एक होता है ना, एक दिमाग में जगह एक दफ़ा बैठ जाए दिमाग, ये खुद ब खुद इमेजेस बनाना शुरू कर देता है आपके सामने। तो सीन्स ऐसे हुए थे यार, मैं तो बैठ गया था क्योंकि मैं बिल्कुल इग्नोर कर रहा था कि मतलब कुछ भी नहीं है, मैं भूल जाऊँ वो चीज़ें। लेकिन मेरा दिमाग, अब वो एक होता है इंसान का दिमाग है कि वो खुद बहुत चीज़ें बना के आपके सामने लेके आ जाता है भाई, एक वहम आ जाता है। तो सीन ये हुआ था कि मैं मतलब बैठा हुआ था तो मेरे सामने बिल्कुल एक चीज़ आती है, रेड कलर का कपड़ा टाइप की थी, वो मेरे सामने से गुजरी और इतनी ज़्यादा स्पीड में गुजरी कि बस मैंने एक झलक उसको देखा, वो दूसरी झलक में गायब हो गई। ये सीन हुआ तो मैंने वह इग्नोर किया, मैंने कहा चलो खैर है होता रहता है, मतलब एक होता है ना वहम होगा वहम हो गया। अब मैं जब जानवर के पास गया तो एक होता है जानवर जब कोई चीज़ देख लेना ऐसी तो वो शोर मचाना शुरू कर देते, तो वो चीखना शुरू हो गए थे। अच्छा तो रात के 2-2.5 बज रहे थे तो सीन ये हुआ, मैं उठ के दाना दाने की ट्रे होती है वो मैं उठा के लेके जा रहा था देने के लिए। तो थोड़ी सी देर गुजरी होगी, बिल्कुल समझ लो मैं उठा के बस वो रखी है उसके पास। अब मुझे ऐसा लगा कि मेरा किसी ने शर्ट का कॉलर पकड़ के मुझे पीछे खींचा है, और लिटरली इतनी ज़ोर से खींचा था कि मेरा बकायदा पूरा एक गला मतलब एक तरह झटका नहीं लगते करके वो झटका लगा मुझे। तो मैंने कहा यार कोई सीन तो है, तो मैंने जो है दूसरी वगैरह पढ़ी, अदल कोसी वगैरह पढ़ी, ये सब हो गया। थोड़ी सी टाइम गुजरा होगा, एक चीज़ जैसे होती है ना चूहा, चूहा टाइप की एक चीज़ बिल्कुल अजीब सी, बिल्कुल समझो ऐसी खून लगा हुआ चेहरे के ऊपर या क्या था, लगे ना रेड हो गया था पूरा चेहरा उसका, सही वाइट कलर की चीज़ रेड कलर के उसका चेहरा हो गया था। वो अचानक निकल के जाती है दीवार के बाहर। अब दीवार के ना साइड में छोटी सी नाली थी जहाँ से पानी वगैरह नीचे आता था, तो वहाँ से चीज़ बाहर निकलती है। अब मैं गेट पे बहुत ज़्यादा डर गया था, अब एक दिल में डर बैठ गया था कि कुछ है यहाँ पे। खैर दाना देना था मामू की भी तबीयत वबीयत सेट थी तो दाना तो मैंने देना था, मैंने हिम्मत करके दाना वाना बनाया। अब मैं दाना बना रहा था तो इतने में क्या हुआ कि 2-3 चीज़ें मतलब 2-3 एक होती ना तेज़ हवा चले, तेज़ हवा चलने के बाद जो है 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो आई, और आते साथ जो चीज़ों से मुराद मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दो मतलब एक हवा तेज़ चली तो आई डोंट नो कि वो कपड़ा था वो क्या चीज़ थी समझ से बाहर, वो आई है और वो आके मेरे मुंह पे ऐसे लगी। अब मैं डर गया, मैंने कहा क्या चीज़ है, मैंने हटाई। इत्तेफाक की बात ये हुई कि उसी वक्त सिर्फ 2-3 मिनट के लिए लाइट भी चली गई, 2-3 मिनट के लिए लिटरली सिर्फ हमारे घर की लाइट चली गई, लिटरली सिर्फ 2-3 मिनट। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं गया उठ के मैंने कहा देखा वगैरह कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो मैं ये सारी चीज़ें वगैरह हुई। आप इस टाइम पे ऐसे चीज इस सिचुएशन में हो ना तो आपको समझो एक दिमाग ना 2 मिनट सुन हो जाता है कि हुआ क्या है मेरे साथ। लाइट गई है सिर्फ लिटरली 2-3 मिनट के लिए, मैं नीचे उतरने लगा और लाइट आ गई। मैं नीचे उतरने लगा तो मेरे बकायदा पीछे से आवाज़ आई किसी के चलने की कि कोई है मेरे पीछे। मैं भागा हूँ नीचे की साइड पे, ठीक है, मैंने मामू को बुलाया, मैंने मामू को बताया तो मामू ने बोला चल भाई तेरा वहम वगैरह होगा, एक मजाक ही ऐसे फैमिली में होता है कि नहीं भाई वहम होगा तू पागल है तू ये तू, अब कोई यकीन ना करे मेरी बात पे। मैं वापसी ऊपर गया, अब मैं वापसी क्यों ऊपर गया आप लोग बोलोगे यार ये तो पागल है हो गया था सीन दोबारा ऊपर चला गया। देखो जानवर भूखे थे, जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, गुना मुझे मिलना था, का खाना नहीं दिया भूखे थे, तो
तो मैंने बहुत हिम्मत की, बहुत कुछ पढ़ा, पढ़ के ऊपर चला गया मैं। ऊपर मैं गया हूँ, मैंने सब कुछ किया, नॉर्मल हो गया सब कुछ, सही है। मैं एक डर सा बैठ गया था दिल में, मैं ना घर घर के अंदर जा रहा था, जहाँ पे कुछ दाना वगैरह रखा हुआ कमरा सा है उसके अंदर, मैं चुपचाप अंदर गया हूँ और मतलब मैं बस दाना बना रहा हूँ और मेरा सिर्फ हाथ चल गया, मेरा दिमाग उसी की साइड पे कि हुआ क्या था, उसी वो थी क्या चीज़। हमारे नानी के यहाँ पे एक छोटी सी बकरी है, इसका नाम है नूरी, ठीक है। तो वो बकरी समझो हमारे इंसानों के साथ वो बहुत ज़्यादा खेलती है, इंसान पसंद है उसको। एक होता है ना वो, मतलब असल में वो पैदा उसी घर में हुई है, देखा हमें ये तो पालतू हो गई है। तो सीन ये हुआ कि वो तो वो मेरे साथ खेल लेती है अचानक से, और लिटरली उसने मेरे कंधे पे यहाँ पे हाथ रखा है, तो मेरा ऐसा घर के हिला, मतलब एक शौक सा लगा है मुझे कि कोई है मेरे पीछे, और मैंने उसको यूं करके धक्का दिया है। मैंने धक्का दिया तो वो नूरी थी। फिर थोड़ा सा दिल को सुकून मिला कि नहीं यार ये नूरी है, छोटी है वही है। तो यार मतलब ये गेट है, मतलब बिल्कुल ये साइड गेट की है, और ये जो है ना मतलब यहाँ ये वॉशरूम का गेट है, यहाँ से निकलते साथ यहाँ पे एक बाहर जाने का गेट है सीढ़ियों वाला। मैं उतर के वहाँ पे गया क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा ना बीट, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी मेरी कि मतलब पसीने आ गए थे मुझे, और सर्दियों के टाइम पे आपको पता है कहाँ पसीने आते हैं, और उसमें मैं शदीद तरीन पसीने आ गए थे, हालांकि हवा बहुत तेज़ चली थी। मैं डर डर के नीचे गया हूँ, मैंने 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरी, फिर मेरे देखा जहन में ख्याल आया कि नहीं यार बकरे भूखे हैं, उनको दाना देना। मैं वहाँ से चला गया ऊपर, मैंने बना बनू के जल्दी जल्दी दाना दिया, मैं दे के नीचे आया हूँ, तो लिटरली मैं मुझे मतलब 102 103 मतलब 102 या 103 बुखार चढ़ा हुआ था शदीद तरीन किस्म का। आए होंगे मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आप लोग बताने का ये मकसद है कि यार अगर मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है तो, या कमेंट्स में आप मुझे बता देना कि अगर कोई ऐसी मतलब चीज़ होती है कि कोई एक ऐसे सिचुएशन में कोई बंदा फंसा हुआ जो, हालांकि मैं बाकायदा पाक साफ था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ ली थी, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ ली थी, मैंने 4 रुकुल पढ़ लिए थे, मैंने बाकायदा मैं तस्बीहात कर रहा अपने हाथों पर दाना बनाते हुए भी, दाना बना रहा था मुँह में, मतलब एक अस्तगफुल्लाह की तस्बीह चल रही थी, अस्तगफुल्लाह अस्तगफुल्लाह अस्तगफुल्लाह। लेकिन यार लिटरली वो चीज़ थी क्या, लगा आप लोग साथ ऐसा हुआ हो कभी तो मुझे बताना। बस यार यही थी मेरी वीडियो, मतलब ये देखो यार मतलब अभी भी बताते हुए भी वो सबको खौफ आ रहा है मेरे अंदर। आज की हमारी यही वीडियो थी, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I should fuck her in the best, yeah.